यहां पर दाव ही पलट गया है। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार बन गई है और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर राज्य के सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सरकार बनाने की कवायतें चल रही थी। जो शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, उसने सीएम पद की खातिर एनसीपी और कांग्रेस के पाले में जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन इसी बीच रातों रात महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा उलटफेर हुआ, उसकी तस्वीरें महाराष्ट्र के राजभवन से सीधे तौर पर सामने आई और शनिवार की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में सीएम पद की शपथ ली और एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेते नजर आए। तब जाकर सभी को ये पता चला कि महाराष्ट्र की सियासत का सबसे अनोखा गठबंधन बीजेपी और एनसीपी के तौर पर हुआ है। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो। सभी के लिए शॉकिंग रही किस तरीके से ये पूरा पलटफेर हुआ। कयास कुछ और थे, परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन पूरी परिस्थितियां किस तरीके से पलटी और फडणवीस दोबारा से एक बार सीएम पद पर विराजमान है और डिप्टी सीएम पद जो है अजीत पवार को दिया गया है। एनसीपी के एनसीपी और बीजेपी जो है अब साथ साथ है, जबकि जो स्थितियां बन रही थी शिवसेना और एनसीपी साथ आकर सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन तुरंत ये पलटफेर हुआ। रातों रात किस तरीके से बाजी पलटी, शायद उसी की ये तस्वीर है और इसे ही सियासत और राजनीति कहा जाता है। राजनीति में कब कैसा बड़ा फेरबदल हो जाए, तस्वीरें कब बदल जाए, साथ कब अलग हो जाए और कौन साथ आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता और उसी का एक परिणाम जो है वो तस्वीरों में साफ नजर आया है। फडणवीस जो है एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर हैं। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, वाकई में जो भी इस खबर को देख रहा है, हर किसी के लिए शॉकिंग जरूर है किस तरीके से रातों ही रात बाजी पलटी और सुबह जैसा कि बीजेपी पहले से बड़ी आश्वस्त थी कि फडणवीस ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो आश्वस्तता बीच में नजर नहीं आई, लेकिन दोबारा से एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान फडणवीस। देखिए, हमेशा से कहा जाता है जो राजनीति होती है वो संभावनाओं का खेल होती है और आज हमें वही एक रंग देखने के लिए मिला है। काफी बातचीत हो रही है। अब आप पूरा जो घटनाक्रम खटा है, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको देखेंगी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमें याद करते हुए कि कैसे 50 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच में मीटिंग हुई थी और उस वक्त जब तक मीटिंग के विजुअल सामने आते उससे पहले उनका एजेंडा आ गया, जिसमें बताया गया कि किसानों के ऊपर, किसानों के फसल का नुकसान हुआ है उनको क्या मुआवजा दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर मीटिंग हुई है। लेकिन अब जो चीजें हुई हैं और जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, क्योंकि कल शाम तक नेहरू सेंटर में वर्ली के खुद शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ और कांग्रेस के अहमद पटेल और वेणुगोपाल राव के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर यह तय हो रहा है कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा और सीएम पद के लिए कौन रहेगा, 2.5 साल का होगा या 5 साल का होगा। अचानक से आज सुबह होता है, शनिवार की सुबह 7:55 पर राजभवन में शपथ ले ली जाती है और इस बार नया एक समीकरण बैठता है बीजेपी और एनसीपी का। तो आप कह सकते हैं संभावनाओं का खेल है। कई चीजें ऐसी थी जो हमें पर्दे के सामने दिखाई दे रही थी, जिसको जर्नलिस्ट खुद अपनी रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके अलग हटके बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पर्दे के पीछे चल रही थी चुपचाप, जिसका किसी को भान नहीं था और खुद एनसीपी के कई कद्दावर नेता होंगे जिनको उसके बारे में नहीं पता होगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस थे। लेकिन अब आप कह सकते हैं जो शरद पवार हैं, वो हमेशा उनको एक बाजीगर के तौर पे देखा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में और फाइनली जो बाजीगरी है वो यहाँ पर कर गए। बिल्कुल अंकुर, कहीं ना कहीं ये कहा जाए, क्योंकि चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को और जिस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री की जोड़ी चलती है वो समय समय पर नजर आता है कि किस तरीके से परिस्थितियों को पहले ही भाप लेते हैं और आगे का डिसाइड कर चलते हैं। ऐसे में जब बीजेपी की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए थे कि वो सरकार नहीं बनाएंगे और ऐसे में अब शिवसेना सरकार बनाए, एनसीपी सरकार बनाए, वो सीधे तौर पर ये कह चुके थे, तो तभी से कहा जाए ये भी स्ट्रेटेजी के तहत कहीं ना कहीं किया गया था। बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी दाव, जब चुकी उनको शिवसेना ने एंड मोमेंट पे अपना समर्थन देने से मना कर दिया ये मुख्यमंत्री की पद को लेकर, उसके बाद से ही रणनीति में बदलाव आया। जो भी काम होना था उसको पर्दे के पीछे किया जाना था। कोई भी सूत्र किसी भी नेता को इसके बारे में जो भनक भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ही आलाकमान से जुड़े हुए जो नेता थे वो इस पूरे के पूरे केस को हैंडल कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, और फाइनली
जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसने ये कह दिया है कि राजनीति जो होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें ना तो ज्यादा देर तक कोई आपका दोस्त होता है ना कोई ज्यादा देर तक दुश्मन। बिल्कुल अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको बता दें आज शपथ ली है दोनों ने, और सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा भी है दोनों द्वारा। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया, और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता। और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहाँ पर तीन ऐसी पार्टियाँ साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले, इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया, उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए। और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया, मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। बहुत दिन आपने देखा चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कौन सा भी कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर फडणवीस भी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समय था यहाँ पर और दावा उन्होंने अपना पेश किया और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो हटा, उसके बाद आज सुबह की तस्वीर जो है वो सबके सामने है। एक स्थिर सरकार के लिए यहाँ पर कोशिश जो की गई वो कहीं ना कहीं स्थिति साफ नजर आ रही है। और तस्वीरें भी सुबह की जब आई तो सबको अचंभित करती हुई नजर आई कि कैसे गेम जो है वो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि तस्वीर कुछ और थी, उम्मीद कुछ और थी की गई थी, लेकिन गेम बिल्कुल पलटा यहाँ पर। और ऐसे में फडणवीस एक बार फिर से सीएम पद पर विराजमान नजर आए। वहीं पर अजीत पवार जो है उनको डेप्यूटी सीएम का पद दिया गया। आपको बता दें जब ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से शिवसेना को यहाँ पर डेप्यूटी सीएम का पद, तो शिवसेना उस मामले पर नहीं चली। शिवसेना ने एनसीपी के साथ जाने की कोशिश की और उसके बाद तमाम गठजोड़ भी शुरू हो गया, जोड़ तोड़ की गणित भी शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद जब फॉर्मूला यहां पर एनसीपी की तरफ से कहा गया कि ढाई ढाई साल सरकार चलेगी, जो कि शिवसेना ने बीजेपी से डिमांड की थी और उस पर सहमति नहीं बनी थी, उसके बाद जब ये फॉर्मूला एनसीपी ने भी शिवसेना के साथ अप्लाई करने की कोशिश की तो शिवसेना इस पर राजी नहीं हुई। और ऐसे में अब जो तस्वीर सामने आई वो बीजेपी और एनसीपी साथ साथ यहां पर, ऐसे में सरकार जो है वो बनती नजर आई। और आज शपथ जो है वो भी ग्रहण यहां पर कर ली गई है, यानी कि शॉकिंग कुल मिलाकर पूरी तरीके से यहां पर था ये, लेकिन तस्वीर जो है अब सरकार जो है वो सामने आ चुकी है। और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुके हैं और डिप्टी सीएम बनाया गया है अजीत पवार को। चलो तो महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा जो दाव है वो खेला गया, बीजेपी एनसीपी साथ साथ यहां पर। और ऐसे में अब एक स्थिर सरकार जो है वो देने की कोशिश यहां पर। आपको बता दें जो परिस्थितियां बनी थी कल तक वो कुछ और थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं और सरकार जो है एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन के साथ यहां पर सामने नजर आ रही है।
तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, दोनों ही नेता मिलकर महाराष्ट्र को एक सुनहरा भविष्य देंगे। तो ये ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है सीएम और डेप्यूटी सीएम को, और ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए वो अच्छा काम करेंगे, ये उन्हें पूरा भरोसा है। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट कर बधाई जो है डिप्टी सीएम और सीएम को दी गई है यहां पर, और ये भी उम्मीद की गई है और ये विश्वास जो है वो जताया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि दोनों ही यहां पर महाराष्ट्र के अच्छे भविष्य के लिए बेहद अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। तो सरकार बनाने के लिए यहां पर पीएम की तरफ से बधाई देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को दी गई, और ट्विटर में ये लिखा उन्होंने कि दोनों ही नेता मिलकर महाराष्ट्र को एक सुनहरा भविष्य देंगे, ये उन्हें भरोसा है। तो देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली जबकि अजीत पवार डिप्टी सीएम पद संभालेंगे, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने यहां पर ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बधाई दी है देवेंद्र फडणवीस को, अजीत पवार को, और इसके साथ ये लिखा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अच्छा काम करेंगे और इसके साथ महाराष्ट्र को एक सुनहरा भविष्य जो है वो सौंपेंगे, एक सुनहरा भविष्य महाराष्ट्र को देंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो दाव खेला गया वो वाकई में चाणक्य नीति ही कहा जाएगा, क्योंकि कल तक तस्वीर कुछ और थी, कल तक कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन सुबह होते होते तक दाव जो है वो ऐसा पलटा गया कि एक बार फिर से यहां पर मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को मिलता हुआ नजर आए जबकि अजीत पवार डिप्टी सीएम पद पर नजर आए। तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं एक बार फिर से, राजनीतिक उलटफेर जो हुआ है बीजेपी एनसीपी की गठबंधन की सरकार में देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बन गए हैं एक बार फिर से। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी लेकिन उसके बीच परिस्थितियां जब बिगड़ी तो कहीं ना कहीं ये स्थिति डगमग करने लगी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन इस गठबंधन की सरकार में अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम बने हैं। जी हाँ, तो देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम यहां पर मिला है। एनसीपी से अजीत पवार आते हैं और बीजेपी एनसीपी का ये गठबंधन जो है अब साथ हो चुका है, और ऐसे में सरकार जो है महाराष्ट्र में बनी है। बड़ा राजनीतिक उलटफेर ये हुआ है और हर किसी को अचंभित करने वाला ये उलटफेर था, क्योंकि जैसे ही खबर सामने निकल के उसके बाद हर कोई यहां पर चौंकता हुआ नजर आया, क्योंकि समीकरण कुछ और बन रहे थे, परिस्थितियां कुछ और बन रही थी, लेकिन सुबह होते होते एक तस्वीर जो है वो कुछ और बनती हुई नजर आई। तो ये आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम पद पर काबिज हो चुके हैं, बाकायदा शपथ भी उन्होंने ले ली, और एनसीपी से अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम के पद पर बैठ चुके हैं, यानी कि डिप्टी सीएम बन चुके हैं। डिप्टी सीएम की पद शपथ जो है उन्होंने ली, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश